राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप करूँगी। पहले इनको अभ्यांग पेस्ट से मैं इनको साफ करूँगी। तो पहले अभ्यांग पेस्ट से साफ करूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं मेकअप करूँगी। और भक्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल भी अगर काले पड़ रहे हैं, वैसे मेरे लड्डू गोपाल तो ज़्यादा काले नहीं पड़ रहे हैं, जैसे काले पड़ते हैं, तो उसके लिए आप अभ्यांग पेस्ट यूज़ कर सकते हैं और दही का भी यूज़ कर सकते हैं। दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। तो चलते हैं फिर। पहले मैं अभ्यांग पेस्ट से लड्डू गोपाल जी को साफ करूँगी, मतलब कि इनको थोड़ा सा इनका मैं फेशियल कर देती हूँ थोड़ा सा आज, फिर उसके बाद करूँगी मेकअप। तो भक्तों, मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को अभ्यांग पेस्ट से इनको मसाज करूंगी हल्के हल्के हाथों से, फिर स्नान कराने के बाद फिर मेकअप करूंगी। तो मैंने सोचा इनका काफ़ी दिन से मेकअप नहीं किया है मैंने, पहले का ही हो रखा है ये मेकअप, तो पहले मैं अभ्यांग पेस्ट से साफ करूंगी फिर उसके बाद ही करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, अभ्यांग पेस्ट कुछ इस तरीके का होता है, मिट्टी टाइप का। तो मैं ये ले लूंगी थोड़ा सा हाथ में। थोड़ा सा वैसे इसको इनको मैं गीला कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ये आपको हाथ में जब लगाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे साबुन है। ये इन्हीं का साबुन ही होता है वैसे, और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी है। आप पहले सारे में लगा दें, उतार देती हूँ। अब बस हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज कर देनी है। अगर आपको सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी लगा लें अपने हाथों पे। तो भक्तों, मैं सिर्फ उंगलियों से ही करूंगी, अंगूठे की हेल्प से नहीं करूंगी। पहले मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं अंगूठे की हेल्प ले लेती थी लड्डू गोपाल जी को नहलाने में, मगर मेरे को भी किसी ने बताया ही है। मेरे पास भी कमेंट ही आया था कि मैम, लड्डू गोपाल जी को नहलाते समय या फिर इनकी मसाज करते समय अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मेरे को आदत नहीं है, इसलिए उंगलियों से ही कर रही हूँ। फिर भी मेरे को ध्यान नहीं रहता, कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो अब हम इनको करा देंगे स्नान। कर देना, छोड़ दे बटियो, तो मैं स्नान करा दूंगी। पोंछ लूंगी और जो इनका जो ये पहला मेकअप है इनको मैं साफ कर दूंगी पहले। तो अब आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों, मैं करूंगी ये वाले कलर यूज, एक्रेलिक कलर है, तो मैं इन्हीं का यूज करती हूँ। जब मुझे इनका मेकअप करना होता, चेंज करना होता, तो इन्हीं से करती हूँ मैं मेकअप। और ये 0 नंबर के मैंने ब्रश ले लिए, ब्रश ले लिए, इनसे करूंगी। और एक ये इनके लिए लाइनर भी ला रखा है, अगर ज़रूरत होती तो मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं कलर का यूज़ कर लेती हूँ। और एक ये डब्बी लाई हुई है कुमकुम की, अगर
कलर वाइज अगर आपको कोई भी चेंज करना हो तो इसमें से कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर इनका मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ब्लैक कलर इनकी आईज के लिए। तो भक्तों मैं ब्रश इसका ले लूंगी लाइनर का, ये इन्हीं का यूज होता है, लाइनर भी ब्लैक है ना ये, तो मैं इसी को यूज कर लूंगी अभी। तो इनको मैं हाथ में लेके कलर करूंगी क्योंकि हाथ चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे ही लड्डू पर। तो मैं इनको अपने करके कलर बनाऊंगी, एक रेड और एक व्हाइट।
मैंने इनका श्रृंगार कर दिया, मैं इनको पहना दूंगी ड्रेस। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का हो चुका मेकअप, अब हमने इनको तैयार भी कर दिया है। तो आप बताना हमारे लड्डू गोपाल जी का मेकअप आपको कैसा लगा। और भक्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।